हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो इस दिवाली के मौके पे लोगों को इंतजार था एक शानदार मूवी का, लोग इंतजार में थे, मूवी आई और देखे। मैं आज बात करने वाला हूँ भूल भुलैया 3 के बारे में। मूवी आ गई है, लोगों ने देखा, लोगों का रिएक्शन कैसा रहा, लोगों पे मूवी कुछ छाप छोड़ पाई कि नहीं, मूवी कहाँ पे कमजोर पड़ रही है और किन किन एक्टरों ने इस मूवी को संभाला, क्या ये मूवी आगे धमाल मचा पाएगी कि नहीं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। दिवाली के मौके पे रिलीज हुई भूल भुलैया 3 असल में भैया दूज वाली फिल्म है। सौतेले भाई बहनों की साजिश से शुरू होने वाली कहानी आज के जमाने में खून के रिश्तों से ज्यादा सहृदयता के रिश्तों की महत्वता को समझाती है। दो बेटियों के पिता को बेटे की चाह अपने ही महल की नौकरानी के पास लाती है। सौतेले भाई को बहनों का प्यार नहीं मिलता, लेकिन उसे दोनों बहनों में ही अपनी पूरी दुनिया दिखी है। और फिर होता है एक खुलासा जिसके चारों तरफ भूल भुलैया के निर्देशक अनीस वज्मी की फिल्म भूल भुलैया 3 का माया जाल बनता है। फिल्म का विस्तार शुरू में बड़ा बोरिंग है, लेकिन उससे निकलने के बाद फिल्म को मनोरंजन करती है। भूल भुलैया के रिलीज की 17 साल बाद कहानी के दो किरदार जो आपको याद हो गए, मंजुलिका और छोटा पंडित, लोगों को याद रह गए। तो इसमें उन्हें निभाने वाली अभिनेत्री विद्या बालन और अभिनेता राजपाल यादव की अपनी मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। भूल भुलैया 2 में रूह बाबा बनकर बड़े सितारों की बड़ी लीग में शामिल हुए कार्तिक आर्यन की उसके बाद कोई फिल्म धमाल नहीं मचा सकी। अब फिल्म भूल भुलैया 3 में उन्हें माधुरी के मोहक रूप ने बचाया है। विद्या बालन की चपलता उनके काम आई और अनीस वज्मी के निर्देशन में बनी फिल्म के क्लाइमैक्स ने मंजुलिका का सीधे नेटफ्लिक्स की अंतर्राष्ट्रीय से टू डम करा दिया। आखिर में मंजुलिका कौन है? मंजुलिका इस सवाल पर फिल्म में भूल भुलैया 3 भी नाचती रह जाती है कि आखिर में मंजुलिका कौन। आकाश कौशिक के साथ मिलकर अनीस वज्मी पहले 1 घंटे दर्शकों को वाकई भूल भुलैया की तरह घुमाते हैं। कार्तिक आर्यन से अक्षय कुमार जैसी एक्टिंग करवाने के ये लोग सोच रहे हैं और तृप्ति डिमरी का चढ़ा हुआ पेट छिपाने के लिए उन्हें अजीब गरीब कपड़े पहनाए भी दिखते हैं। दर्शक इन सब चीजों से खींचने लगते हैं, क्या ही कर रहे हैं कार्तिक आर्यन और अनीस वज्मी। लेकिन यह एक चाल है इस फिल्म की, जिसमें दर्शक इंटरवल के ठीक पहले छपाक से गिरता है और ऊंची हील वाली सैंडल पहने माधुरी दीक्षित के कदम जैसे पर्दे पे पड़ते हैं, फिल्म का माहौल, कहानी और इसका ट्रीटमेंट सब बदल जाता है। जिन लोगों ने पहले की दोनों फिल्मों देख रखे हैं, वो मन ही मन गणना करने लगते हैं कि इस बार मंजुलिका कौन है, माधुरी दीक्षित या विद्या बालन। फिल्म भूल भुलैया 3 के बीच बीच में तृप्ति डिमरी जैसे टुड्डी का सस्पेंस भी है, लेकिन इसके खुलासे को साथ अनीस वज्मी ने भूल भुलैया 4 के लिए बचा लिया। फिल्म में कॉमेडी भरपूर हो न हो, लेकिन जगह जगह तंज बहुत सटी। कार्तिक आर्यन को अपनी पहली फिल्म सजाता के नाम से भागते दिखाया गया, भागते टी सीरीज भी रही है और इस फिल्म की समय की जिम्मेदारियां पूरी करने से छोटा पंडित बने राजपाल यादव का डिज्नी की सीरीज मूनलाइट से प्रेरित जवान अवतार बिल्कुल सही समय पे आता है। फिल्म के क्लाइमेक्स एक के बाद एक तीन है और हर क्लाइमेक्स में कहानी बिल्कुल अलग मोड़ पर निकल जाती है। 200 साल पहले एक रियासत के राजकुमार की मनोभावना तक जब कहानी पहुंचती है, तो न सिर्फ कार्तिक आर्यन के साहस की तारीफ करने का मन करता है, बल्कि यहां तक फिल्म को लाकर माधुरी दीक्षित और विद्या बालन ने जो पूरा समा बांधा है, उस पर भी तालियां बज ही जाती हैं। 200 साल पहले और आज के समय को जोड़ती है कहानी पुनर्जन्म की है और पुनर्जन्म की कहानियां हिंदी सिनेमा में अक्सर सफल ही होती हैं। अभिनय के मामले में फिल्म माधुरी और विद्या बालन की है। कार्तिक आर्यन को दोनों ने बहुत कमाल का सहारा दिया है, यानी कार्तिक आर्यन का इस मूवी में रोल खास नहीं है, क्योंकि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने उनको सहारा देकर मूवी को उठाया। तृप्ति डिमरी को मिली शोहरत उनके खिलाफ काम करती दिख रही है, उनके अभिनय में अब मेहनत नहीं दिख। संजय मिश्रा, अश्विनी कोकलेश्वर, राजपाल यादव, राजेश शर्मा और विजय राजेदार अलग अलग अंदाज के बंगाली बोलते अखरते हैं, लेकिन किसी तरह काम चला लेते हैं। फिल्म में अरुण कुशवाहा का काम खास तौर से नोटिस करने लायक है। रूह बाबा के असिस्टेंट बने अरुण ने लिलीपुट के टक्कर का अभिनय यहाँ किया है। संगीत अब भी प्रीतम का ही चला आ रहा है, हरे राम हरे कृष्णा और अमीजीत तोमर दोनों कालजयी गीत बन चुके हैं। तो मूवी मेरे हिसाब से बहुत आदर नहीं पाएगी और देखते हैं 2-4 दिन के कलेक्शनों चलने मूवी चलने के बाद लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये मूवी कहीं जा पाएगी कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से ये मूवी फ्लॉप ही जाने वाली है, क्योंकि इस मूवी में उतने दम नहीं है। वही माधुरी दीक्षित और विद्या बालन ने अपना एक्टिंग और अपनी कला से इसको थोड़ा सा ऊपर बेहतर किया, लेकिन और जगह ये फिल्म बहुत कमजोर दिखाई पड़ती है। तो सिनेमा घर में जाने से पहले एक बार रिव्यू जरूर देखें, उसके बाद इस मूवी को देखें।